काफी लंबे समय से आप सभी को सुन रहे हैं और आई थिंक कि काफी माइंड हमारा स्टक हो गया होगा, तो थोड़ा समय कम है तो मैं बड़ा फास्ट और कम समय लेकर ज्यादा बात करना चाहूंगा। तो जो मेन बात है, जो आज का मुझे टॉपिक दिया गया था संजय सिंगल सर की तरफ से, वो था अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो पैसा है। देखो एंटरप्रेन्योर सारे के सारे यहाँ बैठे हुए हैं और मैं देख रहा था इसके बीच में, जो एंटरप्रेन्योर क्लब के बीच में एक पैसे का साइन है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी पूरी तरीके से बैकबोन है। तो जो इन्वेस्टमेंट्स की बात आ रही थी, तो इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शन है हम सबके पास होते हैं, यानी पैसा जब मेरी जेब से निकलता है तो वो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसी पे थोड़ा सा आज का टॉपिक था। और बाद में जैसा कि बताया गया कि मैं रियल एस्टेट से मैं लास्ट करीब 12 ईयर से रियल एस्टेट में हूँ, उससे पहले 10 साल मैंने फाइनेंस में काम किया है। तो थोड़ा सा लेते हैं फटाफट विदाउट डिले, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। सो माय इंट्रोडक्शन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बेकर्स एंड इंचेस, वहां पर भी मैं सेल्स को हेड करता हूँ और पिछले लास्ट 10 ईयर्स में से लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को उनके रियल एस्टेट दिलवा चुका हूँ और सक्सेसफुली वो लोग हमारे साथ हैं। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। जो सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने ऊपर रखा हुआ इंश्योरेंस, इट मींस कि ये फाउंडेशन है, ये नींव है, बगैर इसके कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती और इसकी मास्टरी कहीं ना कहीं संजय सर के पास है, जो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के लिए नाम लिया कि वो सारा का सारा रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। तो इंश्योरेंस के बगैर हम, मैं कह सकता हूं कि कितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल आप बना लो, लेकिन अगर प्रॉपर अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गोल आपके जो है सटीक साबित नहीं होंगे, क्योंकि छोटा सा भी लाइफ में थ्रेट आया तो वो सारी की सारी प्लानिंग हमारी रखी के रखती रह जाती है। तो सेकेंड वन इज पैसा होता है हमारे पास तो कहाँ जाते हैं, जल्दी हम सबको बताया कि हम पैसा अपनी बैंकिंग में रखते हैं, FDs, RDs और भी बैंक के जो प्रोडक्ट हैं या पोस्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट हैं, KVP, किसान विकास पत्र, NSC, NMIS, LGPF एंड PPF, ये सारे के सारे अगर मैं बात करूँ तो डेट फंड है। डेट फंड का मतलब ये होता है कि जो मेरा कैपिटल है वो बिल्कुल ओके है, यानी कि वो कैपिटल मेरा सेव है और उस पर इंटरेस्ट जो है 5-6%, 7% का इंटरेस्ट हमारे को मिलता है। और वो मैं मानूंगा कि इन सारे प्रोडक्ट्स में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपको ग्रो नहीं कर पाता, वो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करता है। तो अगर हमें पैसे को ग्रो करना है, पैसे के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो सभी की इच्छा होती है कि भाई मेरा पैसा आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो, राइट, तो उसकी उसको इन्वेस्ट करने की दो ही जगह है और उनमें से एक जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट वो है इक्विटी। अभी कोई सर आए थे बोले कि इक्विटी में मैनेजमेंट करते हैं, तो इक्विटी का मतलब है म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, यानी डायरेक्ट आप शेयर्स खरीद रहे हैं या म्यूचुअल फंड के जरिए जा रहे हैं, या PMSS एक प्रोडक्ट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। आप अगर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और लास्ट में आते हैं आपके बॉन्ड्स एंड गोल्ड, जैसे इंडिया में है गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, लेकिन जो एक्सपर्ट कहते हैं, मैं पीछे दिनों एक ट्रेनिंग में था कि जब तक इस गोल्ड को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता मिली हुई है तब तक ही गोल्ड का जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं 8% या 9% ईयर ऑन ईयर होता है, लेकिन जिस दिन इसकी मान्यता वहां से खत्म होगी, क्योंकि हम करेंसी में डिजिटल से जाके क्रिप्टो तक आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जिस दिन वो मान्यता खत्म होगी तो कहीं ये जो पैसा इस पोर्टफोलियो का है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने वाला है। और इंडिया गोल्ड को होल्ड करने के मामले में बहुत आगे है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल ज्यादा फेथ करते हैं गोल्ड पर। तो मेरा ये भी मानना है कि जिसका पोर्टफोलियो में गोल्ड है या गोल्ड की ज्यादा स्टेक है, उन्हें सोचना है कि उस पैसे को डाइवर्सिफाई कहां पे करें। एंड द लास्ट वन इज रियल एस्टेट, जिसका मैं पिछले लास्ट 12 ईयर से रियल एस्टेट में ही वर्किंग हूं, तो मुझे पता है कि रियल एस्टेट जो है वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में आता है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट, और हर कोई रियल एस्टेट से अपना पैसा बनाना चाहता है। या मैं अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं या जितने बिजनेसमैन हैं उनकी बात करूं, तो
हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पीछे, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पीछे कहीं ना कहीं उसका एक रियल एस्टेट होता है, और हर बिजनेसमैन अपना पीछे बैकबोन रियल एस्टेट के जरिए बनाना चाहता है। जितने भी टॉप में बिजनेसमैन का आप नाम ले लो, मेरी जो कंपनी है वो नोएडा में, नोएडा C26, और वो जो बिल्डिंग है वो टी सीरीज की है। टी सीरीज का नाम हम सब जानते हैं, सुना है? जो हमारी बिल्डिंग है वो टी सीरीज की है, उसके जस्ट बगल में एक बिल्डिंग है वो टी सीरीज की है, उससे जस्ट बगल में एक और बिल्डिंग है वो भी टी सीरीज की है। मोर देन 100 बिल्डिंग्स टी सीरीज की नोएडा और NCR में है। और अगर हम उसके बिजनेस की बात करें तो उनका बिजनेस क्या है, उनका बिजनेस क्या था, हम सबको पता है कि टी सीरीज का बिजनेस क्या था, वो एक कैसेट थी जिनपे उन्होंने काम किया। लेकिन आज जो उनका मैक्सिमम पैसा जो आ रहा है उनके पोर्टफोलियो रियल एस्टेट से आ रहा है। तो रियल एस्टेट आपका जो वेल्थ क्रिएट कर सकता है, यानी कि आज की डेट में मैं कहूंगा कि अगर आपका पैसा 3 पीढ़ी से भी ज्यादा क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं वो आपका एसेट रियल एस्टेट ही हो सकता है। जो आपका 3री पीढ़ी तक आपके पैसे को ले जा सकता है उस पर पावर है, रियल एस्टेट में वो पावर है। और जितने भी टॉप मोस्ट अगर आप वेल्थिस्ट पर्सन की लिस्ट निकालेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें करीब आज भी 80% लोग बिजनेस के जरिए उनका जो बैकबोन है उनके वेल्थ का या उनकी नेटवर्थ का, उसके पीछे रियल एस्टेट का बहुत बड़ा रोल है। कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम बाकी इन्वेस्टमेंट से रियल एस्टेट को कंपेयर करेंगे तो आप समझिए कि कभी भी किसी भी घटना के साथ या बाजार में जो कुछ भी ऊपर नीचे होता है उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट अप्स एंड डाउन हो सकती है। लेकिन इस पूरी कह सकते हैं कि इकोनॉमी में कुछ भी हलचल हो रही हो, कुछ भी हलचल इस इकोनॉमी में हो रही हो, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और काम करने के लिए ऑफिस चाहिए, आया ना? तो इसका मतलब है ऑलवेज इन डिमांड में रहेगा, हमेशा ये डिमांड में रहेगा, हमेशा ये डिमांड में रहता है। तो ये है रियल एस्टेट का कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। 5 रीजन टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, यानी कि अगर आप अपना एसेट बनाना चाहते हैं, पैसे को साउंड करना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि वो क्या रीजन है जिससे आप रियल एस्टेट आपको सबसे मोस्ट बेनिफिटेबल प्रोडक्ट लग सकता है। आई थिंक उसमें जो सबसे पहली चीज आती है इट्स रियल, मैं सकता हूं कि कंसंट्रेट करें थोड़ा सा, इट्स रियल का क्या मतलब है, मैं बस एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि जब पैसा आपकी जेब से निकल जाता है तो या तो वो पेपर एसेट में लगता है और रियल एसेट में लगता है, हाँ है ना? भाई बाकी किसी जगह आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एफडीज में, आरडीज में, पीपीएफ में, जीपीएफ में, किसान विकास पत्र, एमआईएस, एनएससी, गोल्ड बॉन्ड एंड एवरीवेयर इंश्योरेंस, वहां पर आपके पास क्या होता है, आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं आपके पास एक पेपर होता है। बैंक में आपका 5 करोड़ पड़ा है, 10 करोड़ पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, आपके पास एक पासबुक है, उसमें एंट्री है, एक नंबर लिखा हुआ है। आपने आप 10 करोड़ म्यूचुअल फंड में पड़ा है या आपका इंश्योरेंस में पड़ा है, तो वहां पर आपके पास क्या है, एक पेपर है जिसपे लिखा हुआ है कि ये अमाउंट है, वो पेपर जस्टिफाई करता है जो अमाउंट आपके पास है। लेकिन जैसे ही आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा, तो आपके पास पेपर भी होता है और रियल में भी चीज होती है, आया ना? आया ना? यानी अगर आपके पास कोई 50 लाख की चीज है तो 50 लाख के पेपर भी आपके पास है और साथ में 50 लाख की चीज भी आपको दिख रही है, यानी कि ये 50 लाख की चीज मेरी है, बाकी जो जगह है वहां पर आपके पास सिर्फ पेपर एसेट्स होते हैं। दूसरा इसका रीजन है लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई से मेरा मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट यानी कि लैंड एक लिमिटेड एसेट है ना भाई। इंडिया का जो आज क्षेत्रफल है ये मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बड़ा होने वाला है, ये इससे बढ़ सकता है क्या, ये नहीं बढ़ेगा, आज तक तो बढ़ा नहीं है और कुछ ना कुछ कमी हो रहा है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक्टिविटी बॉर्डर पे होती है तो लगता कुछ ना कुछ निकल गया, है ना? बट डिपेंडेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट ऑलवेज इंक्रीजिंग,
जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जिस तरीके से रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती चली जा रही है उसके हिसाब से इस पे हमेशा रहेगा। तो जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड है ऑलवेज वो डिमांड में रहेगा, ऑलवेज वे ग्रोथ में रहेगा। एंड द थर्ड वे, मोर कंट्रोल। बाकी किसी जगह आप अपना पैसा लगाते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, है ना? आपने पैसा दे दिया, अगर उस पर कमिटमेंट उस पेपर पे लिखा है तो उसके नीचे एक सब्जेक्ट टू मार्केट में लिखा होगा कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा। और आपको नहीं पता कि आपका दिया हुआ पैसा किस तरीके से रूट हो रहा है और क्या ग्रो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप रियल एस्टेट खरीदते हो, आप सारे सभी के पास अपने अपने रियल एस्टेट हैं, चाहे हम उस घर में रह रहे हैं या हम उसका रेंट ले रहे हैं, हाँ है ना? तो उस पर कंट्रोल आपका है। कंट्रोल है या नहीं है? कंट्रोल है या नहीं है आपके पैसे पे? तो बाकी किसी और जगह पैसा लगाते हैं तो आपके पास कंट्रोल नहीं होता। अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का क्या मतलब है? अप्रिसिएशन का मतलब है आज कोई भी एक अमाउंट मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, यानी 2023 फरवरी मैंने कोई इन्वेस्ट किया, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर ऐसा नहीं हो सकता कि जिस लेवल पे मैंने इन्वेस्ट किया हो वो मेरा अमाउंट उस लेवल पे भी ना हो, सिर्फ वो लीगली ओके होना चाहिए। एंड द कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या है? रेंट। आज हम मार्केट में बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट देखते हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको एक रिटर्न का प्रॉमिस किया जाता है और रिटर्न्स वो आपको मिलती भी है। मैं कहता हूँ आज सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है LIC, आप सभी जानते हैं उसको, आया ना? और LIC का एक पेंशन प्लान है जो सभी लेते हैं नहीं लेते अपने पेंशन के लिए, उन्होंने गारंटेड किया हुआ है। लेकिन जो गारंटी वो आज दे रहे हैं उसी गारंटी पर वो अगले 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल वो सेम अमाउंट गारंटेड आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो आप रियल एस्टेट में अगर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको वो पैसा बढ़ते हुए क्रम में आएगा। यानी कि 10 साल पहले जो भी आपका एक रेंट था आपकी प्रॉपर्टी का, जो आपने प्रॉपर्टी बना रखी है, क्या वही रेंट आज भी आपको मिल रहा है या बढ़ा हुआ मिल रहा है? बढ़ा हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो ऐसे ही एक अप्रिसिएशन और कैश फ्लो आपको दोनों रियल एस्टेट के साथ मिलते हैं। मतलब मैं अगर बात करना चाहूं तो किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में केवल एक चीज मिलती है, या तो आप कैश फ्लो ले सकते हो या आप ग्रोथ ले सकते हो। रियल एस्टेट के साथ आप ग्रोथ और कैश फ्लो दोनों एक साथ ले सकते हैं आप। तो ये वो 5 रीजन है जिसकी वजह से आप अपना रियल एस्टेट बिल्ड कर सकते हैं। एंड प्रॉपर्टी ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा फास्ट ले लेता हूं, सिर्फ घंटी बजाई है, अगर मैं प्रॉपर्टी ट्रेंड की बात करूं तो ऑलवेज जो है सप्लाई कम होती है और डिमांड हमेशा इसकी इंक्रीज होती है, क्योंकि लोगों को नए घर चाहिए, लोगों को अपने काम करने के लिए कुछ ऑफिसेस चाहिए। जो हमारे सेक्रेटरी होम मिनिस्टर के हैं, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर मिश्रा जी, दुर्गा शंकर मिश्रा, इनका जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की साइड से है।